हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन बताएंगे और इसके जो नेक्स्ट टू लेक्चर्स हैं उन क्लासिफिकेशन में जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर आएंगे उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्कस डिस्कस द डिफरेंट different types of optical fiber in detail और करके लिख सकते हैं explain सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर्स ऑल्सो गिव द करेक्टरिस्टिक्स of each type of fiber. Or mode. तो क्लासिफिकेशन पे आते हैं। ऑप्टिकल फाइबर को हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ प्रोपोगेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग, मेटीरियल विच आर यूज टू मेक फाइबर। तो मोड ऑफ प्रोपोगेशन का मतलब क्या है कि एक बार में उसमें कितनी वेव ट्रैवल कर सकती है। अगर एक बार में सिर्फ एक ही वेव ट्रैवल कर सकती है फाइबर में तो हम उसको बोलते हैं सिंगल मोड फाइबर, और अगर मोर देन वन वेव ट्रैवल कर रही है तो उसको बोलते हैं मल्टी मोड फाइबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके का है, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो हम उस पर स्टैप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, और अगर नॉन यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है, तो हम उसको ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई कर सकते हैं। और तीसरा, किस मटीरियल से मिलके वो बना हुआ है, ठीक है, ग्लास से बना हुआ है कि प्लास्टिक से बना हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये दो डिस्कशन करेंगे, बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल और बेस्ड ऑन प्रोपोगेशन मोड। हम सिर्फ इनको डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल के अकॉर्डिंग और प्रोपोगेशन के अकॉर्डिंग। ग्लास और प्लास्टिक फाइबर पे हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है, स्लेव में भी इतना है, सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर। तो सिंगल और मोड और मल्टी मोड फाइबर हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल के अकॉर्डिंग या प्रोपोगेशन मोड के अकॉर्डिंग हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू टाइप्स का होता है, स्टैप इंडेक्स और ग्रेड इंडेक्स। प्रोपोगेशन मोड में भी टू टाइप का होता है, सिंगल मोड और मल्टी मोड। मल्टी मोड टू टाइप का हो जाता है, स्टैप इंडेक्स मल्टी मोड और ग्रेड इंडेक्स मल्टी मोड। तो बेसिकली हमें जानना है स्टेप इंडेक्स और ग्रेड इंडेक्स को, ठीक है। तो पहले मैं स्टेप इंडेक्स को समझा रही हूँ कि स्टेप इंडेक्स में क्या होता है। ये मैंने सामने का क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाया है ऑप्टिकल फाइबर का, ये N1 है, ये N2 है, ठीक है। ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे ये क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पे नीचे प्रोफाइल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल की फॉर्म में बना रखा है। तो स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या होता है कि कोर और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म होता है पूरे कोर के अंदर, फिर जैसे ही क्लैडिंग और कोर इंटरफेस पे आता है सडन डिक्रीज होता है और हम क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे पहुंच जाते हैं।
तो कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अगर हम प्रोफाइल को देखें तो एक स्टेप बन रही है, जैसे स्टेयर्स होती हैं, स्टेप फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए इसको हम स्टेप इंडेक्स फाइबर भी बोलते हैं कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है वो सडन चेंज हो रहा है और यूनिफॉर्म है कोर के अंदर भी और क्लैडिंग के अंदर भी, ठीक है। जबकि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में क्या होता है, ये N1 है जो रेडियस पे डिपेंड करता है, यहाँ पर ये N2 है क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सेंटर में तो मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे रेडियस बढ़ती है वैसे वैसे ग्रेजुअली ये डिक्रीज होता है, और कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे दोनों की वैल्यू, क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम हो जाती है इंटरफेस पे, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर क्या है, यहाँ पर कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे हम क्लैडिंग की तरफ पहुंच रहे हैं, और कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे दोनों वैल्यू सेम हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो मोड ऑफ प्रोपोगेशन में देखा जाए तो दो क्लासिफिकेशन हो गए, स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स। स्टेप इंडेक्स में दो तरीके के फाइबर हो सकते हैं, सिंगल मोड और मल्टी मोड। सिंगल मोड में क्या होगा कि एक बार में वन ही वेव प्रोपोगेट करेगी, और मल्टी मोड में क्या होगा, मोर देन वन वेव प्रोपोगेट करेगी। ग्रेडेड इंडेक्स हमेशा मल्टी मोड होता है, ग्रेडेड इंडेक्स में सिंगल मोड नहीं होता है। तो अगर हम ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर बना रहे हैं इस तरीके से, कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख रहे हैं, तो वो मल्टी मोड ही होगा। तो ये क्लासिफिकेशन बना लीजिए, फिर इसको हम डिटेल में लिखते हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स और इनकी फिगर, है ना। अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन बनाइए, फिर इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट स्लाइड कर रही हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, द ऑप्टिकल फाइबर आर यूजुअली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग एंड द नंबर ऑफ मोड्स दैट कैन फाइबर कैन गाइड। They are classified as single mode step index fiber, multi mode step index fiber, multi mode graded index fiber. आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।